नमस्कार, वन इंडिया में आपका स्वागत है। मेरा नाम अविनाश है। जब से ऋषभ पंत ने ऑस्ट्रेलिया में अपनी बल्लेबाजी से धूम मचाई है, तब से लेकर उन्हें हर कोई भविष्य का सितारा कहने लगा है। अचानक ही यह बदलाव तब आया जब ऋषभ पंत का बल्ला चला, वरना तो क्रिकेट दिग्गजों ने उन्हें टीम से बाहर निकालना शुरू कर दिया था। कईयों ने तो इतना तक कह दिया कि ऋषभ पंत से बेहतर ईशान किशन है, उन्हें टीम में लाया जाए। केएस भरत का नाम भी सामने आने लगा। कहते हैं जब क्रिकेट में बल्ला चलता है तो ठाट रहता है। ऋषभ पंत के साथ फिलहाल यही है। अच्छा खेल रहे हैं और इसलिए पूर्व खिलाड़ी उन्हें अब कप्तान बनाने पर तुल गए हैं। कहने लगे हैं कि ऋषभ पंत को कप्तान के तौर पर सोचा जा सकता है, वो टीम इंडिया को लीड कर सकते हैं। अभी तो यही कह रहे हैं। और अगर इंग्लैंड दौरे पर मान लीजिए कि ऋषभ पंत फ्लॉप हुए, तो यही कप्तान बनाने वाले पूर्व दिग्गज खिलाड़ी उन्हें सबसे पहले टीम से बाहर निकालेंगे और किसी और खिलाड़ी को शामिल करने की बात भी कह डालेंगे। खैर, इस बार श्रेयस अय्यर की अनुपस्थिति में ऋषभ पंत ने दिल्ली कैपिटल्स की कमान संभाली और टीम ने बढ़िया प्रदर्शन भी किया था। अब सबा करीम को ऋषभ पंत में एमएस धोनी की झलक दिखने लगी है। इंडिया टीवी के एक कार्यक्रम में बात करते हुए सबा करीम ने कहा, ऋषभ पंत भविष्य में भारत के कप्तान होंगे या नहीं, ये तय करना अभी जल्दबाजी होगी। उसमें एबिलिटी है। जिस अंदाज में ऋषभ पंत बैटिंग करते हैं, उसी तरह कप्तानी भी करते हैं। ऋषभ पंत का अंदाज एकदम अलग है और ये देखकर खुशी भी होती है। सबा करीम ने साथ ही कहा कि ऋषभ पंत की कप्तानी में धोनी की भी झलक दिखती है, जो खिलाड़ियों को खेल का लुत्फ उठाने देते थे। सबा करीम के मुताबिक खेल को लेकर ऋषभ पंत का रवैया बिल्कुल ताजगी भरा है। ऋषभ पंत चाहते हैं कि उनके साथ खेलने वाला हर खिलाड़ी आनंद उठाए। मुझे उनकी कप्तानी में एमएस धोनी जैसे संकेत दिखते हैं, चाहे बात फैसला लेने की हो या फिर रवैये की। वैसे आपको क्या लगता है, ऋषभ पंत को कप्तान बनाना भविष्य में ठीक रहेगा या फिर इतनी जल्दी अनुमान लगाना थोड़ी जल्दबाजी होगी? आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। इस खबर में बस इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।